सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे विषय गणित कक्षा नौवीं। तो इस कक्षा में आज हम प्रमुख रूप से संख्याओं की समझ एवं संख्याओं के जोड़ की चर्चा पर विशेष ध्यान देंगे। आज हम पढ़ेंगे संख्याओं की समझ, स्थानीय मान ज्ञात करना, दो अंकों, तीन अंकों, चार अंकों व पांच अंकों वाली संख्या को पढ़ना, बड़ी एवं छोटी संख्या की पहचान करना, संख्याओं को आरोही एवं अवरोही क्रम में लिखना, दो अंकों की संख्या में एक अंक की संख्या को जोड़ना, दो अंकों की संख्या में दो अंकों की संख्या को जोड़ना, तीन अंकों की संख्या में दो अंकों की संख्या को जोड़ना, तीन अंकों की संख्या में तीन अंकों की संख्या को जोड़ना, चार अंकों की संख्या में चार अंकों की संख्या को जोड़ना। वीडियो के अंत में आपको गृह कार्य के लिए प्रश्न दिए जाएंगे, जिस पर विस्तृत चर्चा हम वीडियो के अंत में करेंगे। आइए हम संख्याओं को समझें। एक अंक वाली संख्याएं एक से नौ तक होती है, दो अंकों वाली संख्याएं दस से निन्यानवे तक होती है, तीन अंकों वाली संख्याएं सौ से नौ सौ निन्यानवे तक होती है, चार अंकों वाली संख्याएं 1000 से 9999 तक होती है। आइए अब हम एक अंक वाली सबसे छोटी संख्या को जानें। तो एक अंक वाली सबसे छोटी संख्या होती है एक, सबसे बड़ी संख्या होती है नौ, दो अंकों वाली सबसे छोटी संख्या दस, सबसे बड़ी संख्या निन्यानवे, तीन अंकों वाली सबसे छोटी संख्या सौ, सबसे बड़ी संख्या 999, चार अंक वाली सबसे छोटी संख्या 1000 और चार अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या 9999। इस प्रकार से हमने जाना कि एक अंक वाली, दो अंक वाली, तीन अंकों वाली एवं चार अंकों वाली सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। आइए अब हम मूल अंक को जानें। मूल अंक कौन कौन से होते हैं? जीरो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, ये है हमारे मूल अंक, जिनकी सहायता से हम जितनी बड़ी से बड़ी संख्या बनाना चाहते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या का हम इन मूल अंकों की मदद से निर्माण कर सकते हैं। आइए अब हम स्थानीय मान को समझें। संख्या है हमारे पास 57, 57, 57 में सात इकाई का अंक है, पांच दहाई का अंक है। यदि हम सात का स्थानीय मान देखें तो सात का स्थानीय मान होगा सात गुना एक बराबरी से सात, क्योंकि इकाई का अर्थ होता है एक, तो हमें स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए उस अंक से हम एक का गुना करेंगे तो हमें मिलेगा सात। यदि हम 57 में पांच का स्थानीय मान ज्ञात करना चाहते हैं, चूंकि पांच दाई के स्थान पर है, दाई का अर्थ होता है दस, तो पांच से हम दस का गुना करेंगे तो हमें पांच का स्थानीय मान मिलेगा 50। यदि हम 57 का विस्तारित रूप लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे 50 धन 7, या लिखेंगे 5 गुना 10 धन 7 गुना 1। आइए अब हम यहाँ पर दूसरी संख्या लें। दूसरी संख्या हमारे पास 75 में पांच इकाई का अंक है, सात दहाई का अंक है, पांच का स्थानीय मान होगा 5 गुना 1 बराबरी से 5। 75 में सात का स्थानीय मान होगा 7 गुना 10 बराबरी से 70। 75 का विस्तारित रूप होगा 70 धन 5, या इसको हम लिखेंगे 7 गुना 10 धन 5 गुना 1। यहां आपने ये देखा कि 57 और 75 में मैंने केवल आपस में अंकों को पलट दिया है, तो
पलटने की स्थिति में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सात का स्थानीय मान सात है और इस संख्या में सात का स्थानीय मान 70 है, यहाँ पर पांच का स्थानीय मान 50 है और यहाँ पर पांच का स्थानीय मान 5 है। तो स्थानीय मान निर्भर करता है कि वह अंक किस स्थान पर है। तो इस उदाहरण की मदद से हमने स्थानीय मान को समझने का प्रयास किया। आइए अब हम तीन अंक वाली संख्या में तीनों अंकों का स्थानीय मान देखें। तो तीन अंक वाली संख्या है 278 में 8 इकाई का अंक है, 7 दहाई का अंक है, 2 सैकड़े का अंक है। 8 का स्थानीय मान होगा 8 गुना 1 बराबर इसे 8। 7 का स्थानीय मान होगा 7 गुना 10 बराबर इसे 70। 2 का स्थानीय मान होगा 2 गुना 100 बराबर इसे 200। 278 का विस्तारित रूप होगा 200 धन 70 धन 8, या इसको हम लिखेंगे 2 गुना 100 धन 7 गुना 10 धन 8 गुना 1। ये इस प्रकार से हमने तीन अंक वाली संख्या में इकाई के अंक, दहाई के अंक और सैकड़े के अंक के स्थानीय मान को समझने का प्रयास किया। आइए अब हम संख्या 904 में इकाई के अंक, दहाई के अंक एवं सैकड़े के अंक के स्थानीय मान को ज्ञात करना सीखें। 4 इकाई के स्थान पर हैं, अतः 4 का स्थानीय मान 4 गुना 1 बराबरी से 4। 0 दहाई के स्थान पर है, अतः 0 का स्थानीय मान 0 गुना 10 बराबरी से 0। 904 में 9 चूंकि सैकड़े के स्थान पर है, अतः 9 का स्थानीय मान 9 गुना 100 बराबरी से 900। 904 का विस्तारित रूप होगा 900 धन 0 धन 4, या इसको लिखेंगे हम 9 गुना 100 धन 0 गुना 10 धन 4 गुना 1। आइए अब हम संख्याओं को अंकों एवं शब्दों में किस प्रकार से लिखते हैं इस पर चर्चा करते हैं। उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। ये चार उदाहरण हम लेकर के चल रहे हैं और इस बात को हम समझने का प्रयास करेंगे कि हमें अल्प विराम कहाँ लगाना है। तो मैं आपको अल्प विराम लगाने का नियम बता देता हूँ। संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, संख्या में हम सबसे पहले शुरू के तीन अंक अर्थात इकाई, दाई, सैकड़ा के बाद अल्प विराम लगाते हैं, उसके बाद हम दो दो के समूह बनाते जाते हैं और अल्प विराम लगाने की प्रक्रिया हमारी जारी रहती है। तो आइए हम समझें, इस पहली संख्या में अल्प विराम लगेगा 2, 6 और 7 के बाद अर्थात इकाई, दाई और सैकड़े के बाद। अब हमें दो दो के समूह बनाना है, तो दो दो के समूह बनेंगे यहाँ पर 1000 के लिए और 10000 के लिए। इस प्रकार से हमने देखा कि इस संख्या को हम लिखेंगे 95,762। आइए हम दूसरी संख्या को देखें। दूसरी संख्या है हमारे पास में 6,283। यहाँ पर भी हमने तीन अंकों के बाद अल्प विराम का यानी उचित स्थान पर अल्प विराम का उपयोग कर लिया। अब हमें पढ़ने में आसानी हो जाएगी। अब इसे हम पढ़ेंगे 6,283। आइए हम तीसरी संख्या को देखें। तीसरी संख्या हमारे पास 4 अंकों की है, तो शुरू के 3 अंकों के बाद अल्प विराम लगेगा और इसे हम पढ़ेंगे 4,046। तीसरी संख्या हो गई हमारी ये। अब हम चौथी संख्या की बात करें, तो चौथी संख्या हमने 5 अंकों की ली है, इसे हम पढ़ेंगे 32,701। तो ये इस प्रकार से आपने देखा कि दी गई संख्या को यदि हम इस तरीके से लिखते हैं तो हमें पढ़ने में बहुत असुविधा होती है। तो यदि हम उसको आसानी के साथ पढ़ना चाहते हैं तो हमें निश्चित रूप से अल्प विराम का उपयोग करना चाहिए। अल्प विराम के उपयोग के बाद हम आसानी के साथ कितने भी अंकों वाली संख्या रहेगी उसको हम आसानी के साथ पढ़ सकते हैं, उसे हम अंकों में भी लिख सकते हैं और शब्दों में भी लिख सकते हैं। आइए अब हम तीन अंक वाली कुछ संख्या लेकर चलें जिसमें हमें छोटी संख्या की पहचान करनी है। तो पहली संख्या है 878,
दूसरी संख्या है 778, तीसरी संख्या है 998 और चौथी संख्या है 667। हमें छोटी संख्या की पहचान करनी है इन चारों संख्याओं में, तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे सैकड़े के अंक से। सैकड़े का अंक यहाँ पर 8 है, सैकड़े का अंक यहाँ पर 7 है, सैकड़े का अंक यहाँ पर 9 है और सैकड़े का अंक यहाँ पर 6 है। क्योंकि चारों संख्याओं में सैकड़े के अंक अलग अलग है, अतः हम ये देख लेंगे कि किस संख्या में सैकड़े का अंक जो है वो सबसे छोटा है। तो सैकड़े का अंक यहाँ पर हमें सबसे छोटा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर है केवल 6, इसलिए हम इस आधार पर कह सकते हैं कि इन चारों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या होगी 667, 667। तो आइए हम इसका उत्तर लिख दें कि समूह में सबसे छोटी संख्या होगी 667। तो ये इस प्रकार से आपने तीन अंकों वाली संख्या में सबसे छोटी संख्या की पहचान करना सीख लिया। आइए अब हम दी गई संख्याओं में बड़ी संख्या की पहचान करना सीखें। पहली संख्या है 78, दूसरी संख्या है 23, तीसरी संख्या है 93, चौथी संख्या है 56। यदि इन चारों संख्याओं को हम देखें तो इन चारों संख्याओं में हम सबसे पहले देखेंगे दाई के अंक को, तो यहाँ दाई का अंक 7 है, यहाँ दाई का अंक 2 है, यहाँ दाई का अंक 9 है और यहाँ पर दाई का अंक 5 है। यदि हम बड़ी संख्या की पहचान करना चाहते हैं तो हमें ये देखना है कि इन चारों संख्याओं में दाई के अंक अलग अलग हैं। अब हम यह देख लेंगे केवल कि दाई का अंक सबसे बड़ा कहाँ पर है। तो दाई का अंक हमें सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है 93 में। तो हम अपना आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं, समूह में बड़ी संख्या 93 होगी। आइए अब इसके आगे देखते हैं एक दूसरा उदाहरण। अब हमने ले लिया तीन अंकों वाली संख्याएं, पहली संख्या है 578, दूसरी संख्या है 778, तीसरी संख्या है 598 और चौथी संख्या है 767। हमें समूह में बड़ी संख्या का पता लगाना है, तो चारों संख्याएं तीन अंक वाली है और तीन अंक वाली संख्याओं में हम बहुत ध्यान से देखें यहाँ पर सैकड़े के अंक को, तो सैकड़े का अंक यहाँ 5 है, सैकड़े का अंक यहाँ पर 7 है, यहाँ सैकड़े का अंक 5 है, यहाँ सैकड़े का अंक 7 है। चलिए यदि हम सैकड़े के अंक की बात करें तो 5 हमारे आंसर से हट जाएगा, 578 और 598 तो हमारी पहचान से हट जाएंगे। अब हमें बात करनी केवल यहाँ पर 778 की और 767 की। यदि इन दोनों संख्याओं को हम देखें तो इन दोनों संख्याओं में सैकड़े का अंक समान है, तो अब हमें देखना पड़ेगा यहाँ पर दाई का अंक कि दाई का अंक कहाँ पर बड़ा है। तो 778 और 767 में 7 दाई का अंक है यहाँ पर और 7 बड़ा अंक है, इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इन चारों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या होगी 778। तो ये हो गया हमारा प्रश्न का जवाब। तो ये इस प्रकार से हमने यहाँ पर इस बात को समझ लिया कि हम तीन अंक वाली संख्याओं में बड़ी संख्या की पहचान किस प्रकार से करेंगे। आइए एक अन्य उदाहरण और लेते हैं। यह है हमारे पास में चार अंकों वाली संख्याएं, पहली संख्या है 7564, दूसरी संख्या है 7528, तीसरी संख्या है हमारे पास 7578 और चौथी संख्या है हमारे पास 7567। इन चारों संख्याओं को हम बहुत ध्यान से देखें तो हमें दिखाई दे रहा है कि चारों संख्याओं में हजार का स्थान एक जैसे है, यानी सभी जगह हजार के स्थान पर 7 लिखा हुआ है। चलिए तो हम आएंगे अब सैकड़े के स्थान पर। तो सैकड़े के स्थान की यदि हम बात करें तो सैकड़े के स्थान पर भी हम देखें यहाँ 5 लिखा हुआ है,
यहाँ पांच लिखा हुआ है, यहाँ पर भी पांच लिखा हुआ है, यहाँ पर भी पांच लिखा हुआ है। तो अब हमें जाना पड़ेगा दाहिक अंक पर। तो दाहिक अंक यहाँ छह है, दाहिक अंक यहाँ पर दो है, दाहिक अंक यहाँ पर सात है और दाहिक अंक यहाँ पर छह है। तो यदि हम दाही के अंक को देखें तो इस संख्या में दाही का अंक सबसे बड़ा है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इन चारों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या होगी 7578। तो समूह में बड़ी संख्या है 7578। तो ये इस प्रकार से आपने चार अंकों वाली संख्या में सबसे बड़ी संख्या की पहचान कैसे करते हैं इसको आपने समझ लिया। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम संख्याओं को आरोही क्रम में अर्थात बढ़ते हुए क्रम में किस प्रकार से लिखेंगे इस पर हम चर्चा करें। तो चार संख्याएं हैं हमारे पास 574, 678, 378, 879। यदि इन चारों संख्याओं को हम देखें तो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि सैकड़े के स्थान पर यहाँ पांच है, सैकड़े के स्थान पर यहाँ छह है, सैकड़े के स्थान पर यहाँ तीन है, सैकड़े के स्थान पर यहाँ पर आठ है। क्योंकि सैकड़े का अंक चारों संख्याओं में अलग अलग है, अतः हमें यहाँ पर सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि इन चारों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो छोटी संख्या होगी हमारे पास में जिसके सैकड़े का अंक सबसे छोटा होगा। तो 378 यहाँ पर सबसे छोटी संख्या है, उसके बाद उससे बड़ी संख्या है 574, उससे बड़ी संख्या होगी 678 और उसके बाद में हमारी आखिरी संख्या जो होगी वो होगी 879। तो आइए इन संख्याओं को हम आरोही क्रम में लिखें। 378 सबसे पहले आएगा, इसके बाद आएगा 574, इसके बाद आएगा 678 और उसके बाद में आएगा 879। तो ये क्रम हमारे पास में कहलाएगा आरोही क्रम, या जिसको हम कहते हैं बढ़ते हुए क्रम में दी गई संख्याओं को लिखना। आइए अब हम दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में अर्थात घटते हुए क्रम में किस प्रकार से लिखेंगे पर चर्चा करते हैं। तो पहली संख्या है 574, दूसरी संख्या है 678, तीसरी संख्या है 378, चौथी संख्या है 875। तो हमें इन संख्याओं को आरोही क्रम में अर्थात घटते हुए क्रम में लिखना है। तो हम यहाँ पर देखेंगे सैकड़े के अंक को, तो सैकड़े का अंक हमें यहाँ पर सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है 875 में। क्योंकि हमें यहाँ पर आरोही क्रम में लिखना है तो सबसे पहले आएगी बड़ी संख्या, उसके बाद उससे छोटी संख्या, उसके बाद उससे छोटी संख्या और अंत में आएगी सबसे छोटी संख्या। तो 875 सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे 678 को, उसके बाद लिखेंगे 574 को और अंत में हम लिखेंगे 378 को। तो आइए हम इसको आरोही क्रम में लिखें। ये लिख दिया हमने 875 को, अब इसके बाद बारी आएगी 678 की, अब इसके बाद आएगा 574 और उसके बाद में आएगा 378। तो ये संख्याओं का क्रम कहलाएगा आरोही क्रम, या जिसको हम घटते हुए क्रम में लिखना कहते हैं। ये हमने यहाँ पर संख्याओं को आरोही क्रम में किस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं, लिखते हैं, उसको समझने का प्रयास किया। आइए अब हम जोड़ संबंधी एक इबारती प्रश्न को लेकर चलेंगे। प्रश्न है, राधे को पूरक परीक्षा में गणित में 67 अंक एवं विज्ञान में उसे 5 अंक प्राप्त हुए, बताइए उसे कुल कितने अंक मिले। इकाई का अंक है, दाही का अंक है यहाँ पर, तो हम सबसे पहले लिखेंगे 67 को, ये 67 को हमने नोट कर दिया। अब इसके बाद हम लिखेंगे 5 को, यहां पर हमें इस बात पर ध्यान देना है कि जब दो अंक वाली संख्या में हम एक अंक वाली संख्या को जोड़ते हैं तो एक अंक वाली संख्या को लिखने में हमें विशेष सावधानी बरतनी है। 5 को हम किसी भी परिस्थिति में दाही के स्थान पर या दाही के नीचे न लिखें,
बल्कि उसका स्थान है इकाई के नीचे, तो इकाई के नीचे ही लिखें। अधिकांश विद्यार्थी इस प्रकार की त्रुटि करते हैं, इसीलिए हमने इस प्रकार का ये उदाहरण लिया है। आइए अब हम 67 में 5 को अर्थात 67 में 5 को किस प्रकार से जोड़ेंगे, इसको हम समझने का प्रयास करें। इकाई हमारे पास है 7 और 5, तो 7 इकाई के लिए हमने 7 बाल ले ली, तो ये 7 बाल का एक समूह। अब हम 5 बाल का एक समूह ले लें, यदि इन दोनों समूहों को हम मिला दें और एक नया समूह बना लें, और नए समूह में कुल गेंदों को यदि हम देखें, तो ये हमारे पास में 7 गेंदे। इसके बाद हम गिनना शुरू करें 8, 9, 10, 11, 12। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इस समूह में गेंदों की संख्या है 12, जिसमें 2 है इकाई का अंक और 1 है दाई का अंक। तो इकाई का अंक इकाई के अंक के नीचे पहुंचेगा और 1 दाई का अंक है तो ये दाई के स्थान पर पहुंचेगा। आइए हम देखें कि दाही से हम दाही का जोड़ किस प्रकार से करेंगे। तो दाही से दाही के जोड़ के लिए हमें 2 समूह चाहिए, एक समूह चाहिए 1 गेंद का, दूसरा समूह हमें चाहिए 6 गेंद का। तो यह है हमारे पास दूसरा समूह 6 गेंद का। यदि इन दोनों समूह को हम एक समूह बना लें और यदि कुल गेंदों की संख्या देखें, तो हमें यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि कुल गेंदों की संख्या है 7। तो 7 को हम उसके निर्धारित स्थान पर पहुंचा दें। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि राधे को पूरक परीक्षा में गणित में 67 अंक एवं विज्ञान में उसे 5 अंक प्राप्त हुए, अतः राधे को कुल 72 अंक प्राप्त हुए, 72 अंक प्राप्त हुए। तो इस प्रश्न के माध्यम से हमने 2 अंक की संख्या में 1 अंक की संख्या का जोड़ किस प्रकार से करते हैं उसको समझने का प्रयास किया। आइए अब हम एक दूसरे प्रश्न पर चर्चा करें। प्रश्न है, सीमा के पास 58 हरे कंचे एवं 34 लाल कंचे हैं, बताइए उसके पास कुल कितने कंचे हैं। तो इस प्रश्न में आप देख रहे हैं कि हमारे पास 2 संख्या हैं और दोनों ही संख्याएं 2 अंक वाली हैं। तो 2 अंक वाली संख्या का योग हम 2 अंक वाली संख्या से किस प्रकार से करते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे अपनी सुविधा के लिए इकाई का अंक और दाई का अंक। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 58 को, तो ये हमने 58 को नोट कर दिया। अब इसके बाद बारी आएगी 34 की। हमें 58 में 34 को जोड़ना है, इसलिए हम यहाँ पर प्लस साइन लगा देंगे, एक लाइन खींच देंगे। आइए हम देखें कि हमें 8 इकाई में 4 इकाई को जोड़ना है, अर्थात हमें 2 समूह चाहिए, 8 गेंद का एक समूह, 4 गेंद का एक समूह। तो आइए हम यहाँ पर 2 समूह अलग अलग लेकर के चलें। ये पहला समूह ले लिया हमने 8 गेंद का, दूसरा समूह हमने ले लिया ये 4 गेंद का। यदि इन दोनों समूहों को हम आपस में मिला करके एक नया समूह बना दें, तो इस नए समूह के पास कुल गेंद हो जाएगी, ये गेंद है 8, 9, 10, 11, 12। तो कुल गेंद हो जाएगी यहाँ पर 12, जिसमें 2 है इकाई का अंक और 1 है दाई का अंक। तो इकाई का अंक 2 अपने निर्धारित स्थान पर पहुंचेगा और दाई का अंक अपने निर्धारित स्थान पर पहुंचेगा। अब बारी है कि हम दाई के अंक से दाई के अंकों को हम कैसे जोड़ें। तो दाई के अंक के लिए हमें 3 समूह लेना होगा, 1 का समूह, 5 गेंद का समूह और 3 गेंद का समूह। तो आइए हम ले लें यहाँ पर पहला समूह 1 गेंद का, दूसरा समूह ले लें हम 5 गेंद का, तीसरा समूह ले लें हम 3 गेंद का। यदि इन तीनों समूहों को हम मिला करके एक समूह बना लें और सारी गेंदों को यदि हम गिने, तो सारी गेंदें होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पर दाही से दाही के अंकों का जो योग है वो है 9। तो 9 को हम उसके निर्धारित स्थान पर पहुंचा दें। इस प्रकार से हम यहाँ पर अपने इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं कि सीमा के पास कुल कंचे है 92, अर्थात अंग्रेजी में इसको हम कहेंगे 92। तो कुल मिलाकर के आपने यहाँ पर ये देखा इस उदाहरण की मदद से कि हम 2 अंक वाली संख्या में 2 अंक वाली संख्या का योग किस प्रकार से करते हैं। आपको
जोड़ते समय विशेष बात यह ध्यान रखनी है कि हम इकाई के नीचे इकाई का अंक लिखें, दहाई के नीचे हम दहाई का अंक लिखें, तो हमारे जोड़ करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होगी।